बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हमने डिस्कस करना है एक्यूट डायरिया एंड अमीबियासिस। और अमीबियासिस जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरिया के लिहाज से सिर्फ आपको जनरल चीज़ें, जनरल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पीड्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो पीड्स मेडिसिन का है। मेडिसिन में बस आप लोगों को जो जनरल मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है आपकी, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसके जनरल फीचर्स बताने चाहिए कि डायरिया आता है तो क्या उसके डिफरेंशियल्स होते हैं, पेशेंट को हमने क्लिनिकली असेस कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल बाउल है या लार्ज बाउल डायरिया है, उसको हमने मैनेज कैसे करना है। तो ये हमने जनरल एस्पेक्ट्स इसके अंदर देख लेने हैं, ठीक है। अब जो डायरिया है, हमें बताया कि ये काफी सारे इन्फेक्शन हैं, जो वायरल भी, बैक्टीरियल भी, प्रोटोजोल सबसे हो सकता है। तो ये जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो लेस देन 6 आवर्स का इंक्यूबेशन पीरियड है ना, तो मोस्ट कॉमनली जो टॉक्सन होंगे ना फूड के अंदर, जैसे बैसिलस की है, स्टेफ ऑरियस की, क्लोस्ट्रीडियम की है, ये टॉक्सन प्रोड्यूसिंग जो डायरिया होगा वो लेस देन 6 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आ जाएगा। कि मतलब किसी ने रात को खाना खाया और उसको उसको 6 आवर्स के बाद रात को ही वॉमिटिंग और गैस्ट्रोन्टाइटिस के फीचर्स आ गए हैं, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया, तो हम उसको टॉक्सिन इंड्यूस्ड डायरिया कह सकते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया वाला है, जिसमें ये इकोलाई, क्यूशिगेला और एंटेरोवायरसेस हैं, इवन कॉलेरा एंड शिगेला, साल्मोनेला, इनका आएगा 12 से 72 आवर्स के बाद कि उसने एक तो दिन का खाना खाया हुआ था, उसके बाद उसको डायरिया स्टार्ट हो गया है। वायरसेस का भी शॉर्ट होता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि पेशेंट को इतना वो फिब्राइल नहीं होगा। बैक्टीरियल वाले में तो जाहिर है, वो उसको फीवर भी हो सकता है साथ में, अगर उसको स्पेयर इन्फेक्शन हो गया और ज्यादा जो है टॉक्सिक स्टेट हो जाएगी। और प्रोटोजोल का लॉन्ग होता है, 5 डेज के बाद, 3 to 5 डेज होंगे, जैसे जार्डियासिस है और ये माइक्रोस्पोरियोडियासिस, क्रिप्टोस्पोरियोडियम। क्रिप्टोस्पोरियोडियम का जो आता है, वो आता है कि एड्स के अंदर डायरिया कौन करवाता है, तो वो क्रिप्टोस्पोरियोडियम है। ये एमसीक्यू आता है इसका, ठीक है। मे बी प्रेजेंटली अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होगा, वो हमने अलग से डिस्कस करना है, वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। अब डीडीज देखनी है हमने। देखो, एक तो इंफेक्शियस डिजीज है वो हमने देख ली है, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल। नॉन इन्फेक्शियस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इन्फेक्शियस में ही हो। नॉन इन्फेक्शियस में क्या क्या हो सकता है देखें आप। अगर तो जीआईटी का कोई मेलिग्नेंसी है, कोई जो है वो ट्यूब फीडिंग पे था पेशेंट, या उसको आईबीडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन कॉज, यू नो, रिगार्डिंग नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। और इसके अलावा मेटाबॉलिक, जैसे कि डिसऑर्डर है, जिसमें डायबिटिक किटोसिस है, डीके के पेशेंट्स आप देखते हैं डायरिया प्रेजेंट कर सकते हैं, यूरिमिया का और थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ ड्रग्स होती हैं, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज, जस्ट एक जनरल सा एस्पेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ना वाइवा में पूछता है एग्जामिनर की, स्मॉल और लार्ज बाउल डायरिया कैसे पता चलेगा। पेशेंट से क्या पूछोगे कि पता चलेगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है डायरिया या लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है, कहाँ मसला हुआ है। जो वेट लॉस होगा ना, वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वोमिटिंग भी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से वोमिट आना इजीली इजी है ना, लार्ज इंटेस्टाइन तो थोड़ी नीचे करके आती है, और वोमिटिंग इसमें। और अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा जो है ना, लार्ज बॉल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फीसिस के अंदर जो ब्लड है वो स्मॉल बॉल में समटाइम्स मिलीना की वजह से आएगा, और जो लार्ज बॉल हेमेटोकेजिया होगा। अच्छा, अब म्यूकस इन द फीसिस ज्यादातर जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, जैसे हम आईबीडी में देखते हैं। अब ये जो टेनेसमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा होगा स्मॉल एंड बॉवल वाले में। लार्ज बॉवल वाले में नॉर्मल या डिक्रीज वॉल्यूम होगा, और टेनेसमस, टेनेसमस भी लार्ज बॉवल में जो है वो लोअर एब्डोमिनल जो पेन है वो उसमें ज्यादा होगी, लार्ज बॉवल वाले में। अब देखो, क्लिनिकली कैसे असेस करना है, पेशेंट से आपने पूछना तुम्हें कि 3 दफा डायरिया, एक में फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या खाया था, कितनी देर पहले खाया था, ब्लड तो नहीं आ रहा, स्टूल्स फैट तो नहीं है, उसके अंदर स्टिटोरिया जो होता है, पेट में दर्द है, टेनिसनेस है, और उसे पूछेंगे हम कि उसको अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है, और जो है ये डायजेंट्री के लिए उसके फीवर, फीवर तो नहीं है, और इन्वेसिवनेस के सारे हमने फीचर्स देख लेने हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड अगर लेस देन 18 आवर्स का है, तो हमने पहले भी देख लिया था टॉक्सिन मीडिएटेड फूड पॉइजनिंग होगी, और अगर लार्ज जैसे कि 5 डेज से ज्यादा, तो वो प्रोटोजोल से हो रहा होगा। अच्छा, एग्जामिनेशन पे क्या क्या देखेंगे पेशेंट को, हमने जाहिर हम देखने, शॉक में देखो हाइपोविलीमिया हो जाएगा पेशेंट को, तो पल्स ज्यादा हो सकती है, टैकिकार्डिक हो सकता है। स्किन टर्गर देखते हैं ना हम पेशेंट, बच्चों में भी देखते हैं, संकन आई, स्किन टर्गर, पल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट और स्टूल लॉसेस कितने हो रहे हैं एट दैट टाइम ऑनगोइंग। ये सारे हमने क्लिनिकली पेशेंट, पेशेंट को इस तरह असेस करना होता है। अब देखो, खुद बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे। एक तो जो डायरिया हो रहा है, जो वो आपने स्टूल है उसको इंस्पेक्ट करना, ब्लड तो नहीं, उसकी माइक्रोस्कोपी देखनी है, उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स देखने हैं, ओवासिस, पैरासाइट्स,
सारा कुछ मिल सकता है जो भी उसके अंदर जिस वजह से वो हो रहा है। उसके बाद हमें उसका कल्चर सेंसिटिविटी भेजना होता है, ठीक है, फुल ब्लड काउंट भेजेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, और अगर कोई एंडेमिक एरिया है, ऐसा अगर हमें मलेरिया का एंडेमिक चल रहा है, जैसे अभी हमारा डेंगे का चल रहा है, तो वहाँ पर अगर किसी के मलेरिया जगह है तो हम वहाँ पर मलेरिया पैरासाइट करवाएंगे। उसके अलावा हमने बाकी जो सिस्टम है ना, जैसे एक्सरे चेस्ट हो गया, यूरिन का और ब्लड का, ये कल्चर हम इसलिए करवाना है कि ये क्या पता ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा हो, जैसे कि या फिर कोई और इन्फेक्शन साथ में चल रहा था। जैसे हम डीकेएम में करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, ब्लड कल्चर्स करवाएंगे हम, जैसे एंटेरोटॉक्सिक ईकोलाई से हो रहा होता है, और उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, ठीक है। ये सारे हमने उसको इन्वेस्टिगेशन करवानी है डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल फीचर्स की सीवियरिटी। अब फ्लूड हमने क्या क्या देखो रिप्लेस करना है, एक तो उसका जो लॉस हो रहा है हमने वो देख रहे हैं कितना हो चुका है, एक उसका कितना इस वक्त हो रहा है, और डेली जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि यूजली वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो खा भी तो पा नहीं रहे होते, तो हम इस तरह उनका फ्लूड, अगर तो वो खा भी रहे तो हमने उसका बाई माउथ फ्लूड रिप्लेस करवाना है मैक्सिमम, बाकी आई वी फ्लूड्स देने हैं। तो अब ये होता है कि इसने लिखा हुआ है कि अगर 24 आवर्स से, जैसे कोलेरा में तो पेशेंट को 10 to 20 लीटर ऑफ फ्लूड लॉस हो जाता है, तो हमने वो सारा रिप्लेस करना है। अच्छा, एक तो हमने पहले देख लेना है पहले कितना डेफिसिट हो चुका है, अगर तो 24 घंटे या 48 घंटे गुजर चुके हैं तो हमने उसका लिखा हुआ है कि एवरेज अडल्ट लॉस होगा 2 to 4 लीटर फ्रॉम द डायरिया अलोन, तो हमने वो रिप्लेस करवा देना है। अगर उसको वॉमिटिंग भी हो रही है उसका भी 1 to 1.5 लीटर, वो भी हमने ORS से रिप्लेस करवा देना है। अच्छा, उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑनगोइंग लॉसेस की, अभी मजीद कितना लॉस हो रहा है उसके लिए भी हम 200 ml तक, अगर एक डायरिया स्टूल उसका भी हुआ है तो हम ऑनगोइंग जो भी फर्दर होगा उसके लिहाज से उसको देते जाएंगे, और नॉर्मल जो डेली रिक्वायरमेंट होगी 1 to 1.5 लीटर वो भी पेशेंट को देना है। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, मतलब कि एंटीबायोटिक्स हम सिर्फ जब हमें एस्टैब्लिश्ड होगा कि यार ये कोलेरा से हो रहा है, एंटेरोटॉक्सिक ईकोलाइस से हो रहा है, तो अब हमने देनी है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती एंटी माइक्रोबियल्स की। और बाकी हमने जो एंटी डायरियल्स हैं, एंटी मोटिलिटी, एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स होते हैं, ये सारे हम दे सकते हैं, जैसे कि एलोपैरामाइड है, डिफिनॉक्सिलेट है, और एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स में बिस्मथ है, क्लोरप्रोमाजीन है। तो यही आपने मोटी मोटी चीजें डायरिया के हवाले से याद करनी जो मैंने आपको बताई हैं, मजीद आप जिसमें से कुछ याद नहीं करना, और सिर्फ एक जनरल सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेशेंट डायरिया के साथ आया, हमने उसको कैसे असेस करना है, उसकी कॉजेज कौन से हमारे माइंड में होनी चाहिए, ये वाइवा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और हो सके आपको कोई एक आधा MCQ आ जाए, इसको बैठ के पूरा पूरा रट्टा नहीं लगाना, ये इम्पोर्टेंट है। MEBSs ये पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस से होती है और जब स्प्रेड करती है सिस्ट के थ्रू, ये सिस्ट आते हैं मैच्योर सिस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, दो तरह की होती है ना ये, एक होती है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जिसमें जब लिवर में जाएगी एमीबिक लिवर एब्सेस, और इंटेस्टाइनल होती है, इंटेस्टाइन में आपको पता है ये फ्लास्क शेप के अल्सर्स बना देती है, और जहर अब इंटेस्टाइन में होगी तो पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, और ये आएगी ब्लड के साथ, ठीक है, डायजेंट्री है ना, ब्लड होगा और एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, ऑफेंसिव डायरिया होगा, और वो कॉन्स्टिपेशन के साथ अल्टरनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना पेशेंट को हमने इसको फिर बाकी IBD के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्लडी डायरिया आ रहा है तो वो भी हमारे जहन में होना चाहिए। दूसरी होती है वो अमीबिक लिवर एब्सेस, जाहिर है लिवर के अंदर अगर एब्सेस बन गया है तो क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा ना, स्विंगिंग टेम्परेचर होगा, कम ज्यादा हो रहा होगा, स्वेटिंग होगी, लिवर टेंडर और इनलार्ज हो जाएगा पेशेंट को, और ये भी तो हो सकता है ना कि पेशेंट के जो लिवर एब्सेस है वो रप्चर हो जाए, नीचे से डायफ्राम ऊपर है ना लिवर के, वहां से रप्चर होगी, ऊपर चली जाए, प्लूरल कैविटी में भी जा सकती है, ठीक है। तो क्या कर देगी ये, हेपेटोब्रोंकियल फिस्टुला भी बन सकता है, ठीक है, लीवर के और लंग्स के दरमियान में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपने इसके जेन में रखनी होती हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट करती है विद पेशेंट हैज लूज स्टूल, स्टमक पेन एंड स्टमक क्रैम्पिंग, एमीबिक डिसेंट्री, फीवर एंड टेंडरनेस। तो दो तरह की होती है, एक एमीबिक लीवर एब्सेस है और इंटेस्टाइनल है। अच्छा देखो, इन्वेस्टिगेशन में आपकी जो डेविडसन में बहुत अच्छी लिखी है कि स्टूल हमने देखना है, उसको अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने हैं, फार्माकाइल ट्रोफोसाइट्स, उसके अलावा हम उसे माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं जिसमें हमें टिपिकल फ्लास्क शेप अल्सर्स मिल जाएंगे, और उसके अलावा हमने न्यूट्रोफिल लिकोसाइटोसिस होगी क्योंकि फीवर और एमीबिक एब्सेस बनी हुई है, तो ज़ाहिर है एब्सेस के अंदर तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, रेज्ड राइट हेमीडायफ्राम एंड चेस्ट एक्सरे, क्योंकि एब्सेस बन गया ना लीवर के अंदर तो जो हेमीडायफ्राम होगा वो रेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवा सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। अच्छा, अब जब हमने उस सिस्ट को एस्पायरेट करना है, तो आप लोगों ने सर्जरी में भी पढ़ा होगा कि एमीबिक लिवर को जब हमने एब्सेस को जब करना है एस्पायरेट, तो वो चॉकलेट ब्राउन कलर की होगी, और सीरम एंटीबॉडीज भी करवा सकते हैं, और PCR से हम जो ये अमीबा है इसकी डिटेक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये सारे इसकी इन्वेस्टिगेशन है।
अच्छा मैनेजमेंट में जो है ना ओरल मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल हमें पता है कि वो देनी होती है, उसके साथ हम और क्या दे सकते हैं, एक नाइट्राजोक्सिनाइड होता है, डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट है या पैरामोमाइसिन है, आपने ये तीन चार चीजें याद रखनी है ठीक है। और जब ये जो लिखा हुआ ना कि जो ये पैरामोमाइसिन या डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट है ये हम एलिमिनेट करवाते हैं इसे ल्यूमिनल सिस्ट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं इम्यून सिस्टम ने किस तरह जो है वो करवाने हैं। अब अगर लीवर एब्सेस हो गई है और वो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो हमने उसको जहर फिर एस्पायरेट करना है ठीक है। और एस्पायरेशन के लिए हमें बड़ी अच्छे से उसको मैनेज करना है क्योंकि अगर वो रप्चर हो जाएगी तो वो पेरिटोनियल कैविटी में भी जा सकती है, ऊपर लंग्स में भी जा सकती है, तो वी हैव टू टेक द कॉशंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्यूट डायरिया एंड एमीबीएसिस। एमीबीएसिस को आपने अच्छे से याद करना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, लेकिन एक्यूट डायरिया को आपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है और उसको मेमोराइज करना है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, और बाकी आपको माइनर की वीडियोज मिल जाएंगी। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।